नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन रूस संकट के बीच क्वाड देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक, हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा, यूक्रेन में शांति बहाली को लेकर भी मंथन। विदेश मंत्री ने यूक्रेन मुद्दे पर सांसदों से की चर्चा, विपक्ष ने जताई एकजुटता। यूक्रेन में भारतीयों को बंधक बनाने जाने की खबरों से इनकार, ऑपरेशन गंगा के तहत फंसे भारतीयों की वतन वापसी जारी। यूक्रेन से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन, रूस के विदेश मंत्री ने सैन्य ठिकानों पर हमला जारी रखने की कही बात, शांति स्थापित करने को लेकर दोनों देशों के बीच बैठक। मेक इन इंडिया 21वीं सदी के भारत की जरूरत, DPIIT के बजट बाद वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत को विनिर्माण शक्ति के रूप में देख रही दुनिया। और उत्तर प्रदेश में छठे दौर का मतदान संपन्न, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 676 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद, मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिवार के सदस्यों से आज मुलाकात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जितने भी यूक्रेन में पढ़ने वाले बच्चे थे उन्हें सुरक्षित निकाला जा रहा है, सरकार गंभीरता के साथ इस काम में लगी हुई है। केंद्र सरकार ने पिछले साल बाढ़ और भूस्खलन से पीड़ित 5 राज्यों और एक केंद्र शासित क्षेत्र के अतिरिक्त सहयोग के तौर पर 1682 करोड़ से अधिक राशि आवंटित की है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। सड़क मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण की ओर से दावों के जल्द निपटान के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए नियम में दावों के जल्द निपटान को लेकर विभिन्न पक्षों के लिए समय सीमा के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट और इसकी सूचना की प्रक्रिया तय की गई है। नए नियम 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। विशेष PMLA अदालत ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी विधायकों के अवरोध की वजह से विधान पालिका के संयुक्त सत्र में अपना अभिभाषण पूरा किए बिना विधान भवन से बाहर चले गए। सत्ता पक्ष इसके लिए BJP को दोषी ठहरा रही है, वहीं BJP ने शिवसेना, कांग्रेस और NCP को दोषी ठहराया है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निजी टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध COVID-19 रोधी टीकों की उन शीशियों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मौजूद एक्सपायरी की लंबी अवधि वाली खुराकों से बदलने पर विचार करने को कहा है, जिनके इस्तेमाल की अवधि निकट भविष्य में खत्म होने वाली है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि टीकों की बर्बादी न हो। अमेरिकी संसद में H-1B और L-1 वीजा प्रणाली में समग्र सुधार के लिए द्विदलीय सांसदों के समूह ने एक विधेयक पेश किया है। सांसदों का तर्क है कि इससे अमेरिकी कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी और उन विदेशी आउटसोर्सिंग कंपनियों पर लगाम लगेगी जो इस वीजा कार्यक्रम का दुरुपयोग करते हुए योग्य अमेरिकियों को उच्च दक्षता वाली नौकरियों से वंचित रखते हैं। भारत की निवेता ईशा सिंह और रुचिता विनेरकर ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। भारत 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक लेकर शीर्ष पर बना हुआ है। और अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन रूस संकट के बीच आज क्वाड की ऑनलाइन शिखर बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी क्वाड की ऑनलाइन बैठक में शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक क्वाड शिखर बैठक में हिंद प्रशांत की स्थिति पर चर्चा के अलावा आपसी सहयोग के मुद्दों पर विचार हो रहा है। हालांकि अमेरिका ने पहले कहा था कि वो यूक्रेन के मुद्दे को भी चर्चा में शामिल करेगा। क्वाड 4 देशों का गठबंधन है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की है। यूक्रेन में जारी युद्ध और विशेषकर खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों पर बातचीत केंद्रित रही। दोनों नेताओं ने संघर्ष वाले क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच हाल ही में ये दूसरी बातचीत है। पिछली बार 25 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत हिंसा बंद करने का आह्वान किया था।
यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए जारी अभियान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांचवी बार उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अलावा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयासों को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री रविवार से लगातार बैठकें कर रहे हैं। करीब 20,000 भारतीयों में से अब तक 6,000 से ज्यादा को स्वदेश लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय की परामर्श समिति की बैठक के दौरान यूक्रेन पर रूसी हमले और भारतीयों की निकासी समेत कई विषयों पर चर्चा की गई। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के सरकार के प्रयास के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने मंत्रालय की परामर्श समिति की बैठक में विभिन्न दलों के सांसदों के साथ युद्धग्रस्त देश की स्थिति को लेकर चर्चा की। विपक्षी दलों ने वहां से भारतीयों की निकासी के प्रयासों को लेकर एकजुटता जताई। बैठक में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने यूक्रेन की स्थिति और वहां से भारतीयों को वापस लाने के सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर, आनंद शर्मा, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, बीजेपी के जीवीएल नरसिम्हा राव ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस मुद्दे से जुड़े रणनीतिक और मानवीय आयामों पर अच्छी चर्चा हुई। सोमवार को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति को यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने संबंधी ऑपरेशन गंगा के बारे में भी जानकारी दी थी। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत वायुसेना का पहला विमान बुखारेस्ट से 200 यात्रियों को लेकर देर रात हिंडन एयरबेस पहुंचा। वायुसेना के 3 विमान यूक्रेन में फंसे 628 भारतीयों को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और पोलैंड के शहर जेजा से लेकर हिंडन एयरबेस पर पहुंचे। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही भारत युद्धग्रस्त देश में फंसे अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी और पोलैंड जैसे यूक्रेन के पड़ोसी देशों के रास्ते स्वदेश ला रहा है। निकासी अभियान में भारतीय वायुसेना अपने C-17 सैन्य परिवहन विमान का इस्तेमाल कर रहा है। To my country's government, and I know we struggled a lot at the borders and everything, but it was a relief to be back in India again. और कीव में मेरे दोस्त फंसे हुए थे, उनको वैसे निकाल लिया है, अच्छे से काम कर रही है अब इंडियन एम्बेसी। I was very tired because I had not slept for even 5 days. Now I am feeling very good. Now I came to my home. सर ऑपरेशन बहुत अच्छा है, but मैं इतना बोलना चाहूँगा कि हम लोगों को निकाला जा रहा है। I really thankful to all people involved on this. Like a civil flight, but they allowed me to carry my pet along with them. Okay. It's like I don't know. वही नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि अगले 2 दिनों में 7,400 से अधिक लोगों को विशेष उड़ानों के जरिए भारत वापस लाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। दिनों रात इसी में बिता रहा हूं और मेरी यही कोशिश है कि मेरे आने के पहले जो 1,000 बच्चे सेरिट में थे और करीब 3,500 बच्चे बुखारेस्ट में थे, मेरा लक्ष्य है कि परसों तक उन सबको हम सुरक्षित घर रवाना कर लें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन से लौटे छात्रों से बातचीत की है। इन छात्रों ने उनसे अपने अनुभव साझा किए हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि भविष्य में छात्रों को पढ़ाई के लिए दूसरे देश नहीं जाना पड़ेगा। अब तक 6,000 से ज्यादा भारतीय वापस देश आ चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 30 उड़ानें अब तक यूक्रेन से 6400 भारतीयों को वापस ला चुकी है। और मेरी कोशिश है हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, जिस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं तो शायद 10 साल के भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नए 10 साल में बन जाएंगे। जी इतना बड़ा काम हो जाएगा तो फिर बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। छात्रों से बातचीत करते हुए थे प्रधानमंत्री मोदी। बढ़ते हैं आगे। भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों देशों के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें खार्किव में भारतीय छात्रों को बंधक बनाए जाने की बात कही गई है। भारत ने कहा है कि उसे किसी छात्र के बंधक बनाए जाने की स्थिति का सामना करने जैसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। भारत की ये प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों के एक समूह को उनकी बेलगोरोद जाने की इच्छा के विपरीत खार्किव में जबरदस्ती रोक कर रखा जा रहा है और यूक्रेन के सैनिक उन्हें मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इससे पहले यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने भारत, पाकिस्तान, चीन
और दूसरे देशों की सरकारों से कहा कि वे मॉस्को से मांग करें कि वो यूक्रेन के दूसरे शहरों के लिए मानवीय गलियारा खोलने की अनुमति दें। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में रूसी हमले की निंदा का प्रस्ताव पारित करते हुए रूस को तत्काल यूक्रेन से अपनी सेनाएं हटाने को कहा है। प्रस्ताव के पक्ष में 141 सदस्यों ने मतदान किया और 5 सदस्यों ने इसका विरोध किया। भारत समेत 35 राष्ट्र मतदान में गैर हाजिर रहे। बेलारूस, उत्तर कोरिया और सीरिया ने रूस का समर्थन किया। क्यूबा ने भी समर्थन किया, लेकिन उसने भी मतदान नहीं किया। यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने महासभा का आपातकालीन सत्र बुलाया था। 1997 के बाद पहली बार 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपातकालीन सत्र बुलाया गया है। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। कई शहरों में हमलों से भारी तबाही मची है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने को लेकर बैठक हो रही है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बेलारूस में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच सीधी बातचीत चल रही है। हमें उम्मीद है कि वे स्थिति को समाप्त कर शांति बहाल करेंगे और यूक्रेन में लोगों को शांतिपूर्ण जीवन में लौटने में सक्षम बनाएंगे। इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच जंग को रोकने के लिए दोनों मुल्कों के बीच बेलारूस में हुई कई घंटों की वार्ता बेनतीजा निकली थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि मॉस्को यूक्रेन में लड़ाई खत्म करने के लिए बातचीत को तैयार है, लेकिन यूक्रेन के सैन्य ढांचे को नष्ट करना जारी रखेगा। सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूसी प्रतिनिधिमंडल ने इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन के वार्ताकारों को अपनी मांगें सौंपी और वार्ता में कीव की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम ने यूक्रेन को लगातार हथियारों से लैस किया है और उसके सैनिकों को प्रशिक्षित किया है। रूस का कहना है कि इससे मॉस्को की सुरक्षा के लिए यूक्रेन एक खतरा बन गया है। रूस के हमला करने के बाद 10 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर चले गए हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। यूएनएचआरसी के आंकड़ों के मुताबिक पलायन करने वाले लोगों की संख्या यूक्रेन की आबादी के 2% से अधिक है। विश्व बैंक के अनुसार 2020 के अंत में यूक्रेन की आबादी 4,40,00,000 थी। एजेंसी का अनुमान है कि यूक्रेन से 40,00,000 लोग पलायन कर सकते हैं और ये संख्या अनुमान से भी अधिक हो सकती है। शरणार्थियों में कई बच्चे शामिल हैं। इनमें कई ऐसे लोग शामिल हैं जो यूक्रेन से आधे से अधिक शरणार्थी यानी करीब 5,00,000 से ज्यादा लोग पोलैंड गए हैं, जबकि 1,16,000 से ज्यादा लोगों ने हंगरी में प्रवेश किया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत यानी आईसीसी के मुख्य अभियोजक ने यूक्रेन में 2013 के बाद से हुए कथित युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों या नरसंहार के मामलों में जांच शुरू कर दी है। रूस के हमले के बाद शुरू हुए संघर्ष भी इस जांच के दायरे में आएंगे। अदालत के 39 सदस्य देशों ने जांच का अनुरोध किया है, जिसके बाद उन्होंने जांच शुरू की है। जब सदस्य देश किसी मामले में जांच का अनुरोध करते हैं तो इस प्रक्रिया को रेफरल कहा जाता है। रेफरल ने 21 नवंबर 2013 के बाद से यूक्रेन में स्थिति की जांच शुरू करने का अधिकार दे दिया है। और अब बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में आज छठे दौर का मतदान पूरा हो गया है। छठे चरण के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उम्मीदवारी वाले गोरखपुर सदर समेत 57 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग हुई है। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। क्या बुजुर्ग क्या युवा, सभी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस चरण में अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया तथा बलिया समेत कुल 10 जिलों की कुल 57 सीटों पर वोटिंग हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मताधिकार का प्रयोग किया। इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जय प्रताप सिंह, सतीश द्विवेदी, स्वामी प्रसाद मौर्य, कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। इस चरण में 66 महिलाओं समेत कुल 676 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। इधर मणिपुर में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार थम गया। इस चरण में 10 जिलों की 22 सीटों पर शनिवार को मतदान होगा। 2 महिलाओं समेत कुल 92 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 11 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। वांगखेम सीट के लिए सबसे अधिक 8 उम्मीदवार हैं। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। चुनाव आयोग ने मणिपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों के 12 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान आदेश दिए हैं। इससे पहले 38 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण के मतदान में 88.63% का रिकॉर्ड मतदान हुआ।
उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री ने आज चंदौली और जौनपुर में रैली कर विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि घोर परिवारवादियों ने पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। विपक्ष ने लोगों को जात पात में बांटकर विकास से दूर कर रखा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी का गठबंधन जनता से है और सरकार कोरी घोषणाओं के बजाय लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वो अपमान करना, उपेक्षा करना बराबर जानते हैं, लेकिन हम आपकी आकांक्षाओं पूरा करने के लिए मेहनत करना जानते हैं। बीते 7 सालों में भाजपा ने देश की राजनीति को बदलने वाले कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। जनता को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले गुंडे और माफिया हथियार लेकर लोगों को डराने का काम किया करते थे, लेकिन आज किसी की दंगा कराने की हिम्मत नहीं होती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मदाबाद में विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि माफिया और अपराधियों की वजह से गाजीपुर के पहचान का संकट खड़ा हो गया था, जो विकास के बाद बदल गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शिक्षा मित्रों, पुरानी भर्ती, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को पूरा करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार में आने के बाद सबसे पहले वो इनके पक्ष में फैसला लेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज वाराणसी में समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने अच्छे दिन के नाम पर रेलवे, एयरपोर्ट, बैंक और दूसरे संस्थान बेच दिए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने जनता के कहने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से हाथ मिलाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंसूबों को तोड़ने के लिए ही उन्होंने ये फैसला लिया है। अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत से आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया अभियान 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से कहा कि उन वस्तुओं के आयात में कटौती के प्रयास होने चाहिए जिनका उत्पादन भारत में हो सकता है। DPIIT की ओर से मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत को विनिर्माण शक्ति के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योगों को अपने उत्पादों के विज्ञापनों में वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया के बारे में बात करनी चाहिए। भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में देख रही है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी GDP का 15% है, लेकिन मेक इन इंडिया के सामने इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। हमें भारत में एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस बिल्ड करने के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए। आज की खबर में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राज्यों की खबरें और साथ ही आपको बताएंगे इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत पाक के प्रतिनिधि मंडल की बैठक का अपडेट। आप बने रहिए हमारे साथ। How will the world ensure that no one is left behind? When it comes to inequality and poverty, the causes are many and varied, ranging from healthcare injustice to economic inequity to war and conflict. Africa is even doing far worse in terms of economic numbers, GDP, jobs. Just giving food is not enough. We need to actually provide employment to so many millions of youth who are coming out of education. Watch the global debate on Sunset TV. Breast cancer is the most common cancer all across the world and also in India. Early detection of cancer is the key for successful cancer treatment. Not all patients may require chemotherapy as a part of their treatment,
So we have to choose which patients will require what kind of treatment. Breast surgery is not about removing the breast. In selected cases, breast conservation is possible. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। गुजरात में आज वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2,43,965 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई। वहीं जनता पर नए किसी टैक्स का बोझ नहीं लादा गया है। झारखंड विधानसभा में आज वर्ष 2022-23 के लिए 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया। इसमें सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए है, तो वहीं पेयजल में 20% राशि की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने इसे जनमानस का बजट बताया है। कर्नाटक विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्रालय का भी प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सत्र के पहले दिन अपना बजट पेश करेंगे। कुल 19 बैठकों में ये सत्र 30 मार्च तक चलेगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कई दिन से जारी गतिरोध पर विराम लगाते हुए 7 मार्च को दोपहर 2 बजे विधानसभा का सत्र आहूत किया है। इससे पहले 24 फरवरी को धनखड़ ने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के आधार पर विधानसभा सत्र 7 मार्च की देर रात 2 बजे आहूत किया था, जिसके बाद सत्र के समय को लेकर उलझन पैदा हो गई थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअल माध्यम से औरंगाबाद और अहमदनगर जिले में सिटी गैस वितरण नेटवर्क लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि शहरी बस्तियों के विकास से ही किसी देश और राज्य का विकास होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 10वें वर्ल्ड हियरिंग डे पर आयोजित कार्यक्रम में सुनने की समस्याओं और विकलांगता के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। इसराइल के काउंसलेंट जनरल कोबी शोशानी ने मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की, साथ ही कृषि क्षेत्र में हुए विकास को अद्भुत बताते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि की सराहना की। तमिलनाडु के मदुरई में निकाय चुनाव के बाद चुने गए नई प्रतिनिधियों ने विधिवत रूप से शपथ ली। इस चुनाव में डीएमके को बड़ी जीत मिली है। गुवाहाटी में एसोचैम की तरफ से 3 दिवसीय इमर्जिंग नॉर्थ ईस्ट 2022 कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। सिंधु जल स्थायी आयोग के तहत भारत पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच हुई वार्षिक बैठक के दौरान भारत ने विभिन्न पश्चिमी पनबिजली परियोजनाओं पर पाकिस्तान को आंकड़े मुहैया कराने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के सिंधु जल आयुक्तों की अगुवाई में 3 दिवसीय बैठक के एजेंडा में शामिल सभी विषयों पर चर्चा बेहद ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरी की गई। पाकिस्तान ने जिन 10 परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है उनमें से 9 लघु बिजली परियोजनाओं के तहत 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता की है। खबरों के मुताबिक इन लघु परियोजनाओं पर भारत ने पाकिस्तान को और आंकड़े मुहैया कराने पर सहमति जताई है। दोनों पक्षों ने मौजूदा मौसम के दौरान बाढ़ प्रवाह की जानकारी संबंधी विषयों पर भी चर्चा की और भविष्य के कार्यक्रमों, बैठकों और निरीक्षणों को अंतिम रूप भी दिया। सिंधु जल संधि को दोनों देशों के बीच जल विवाद पर एक सफल अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण माना जाता है। और मोहाली में कल से भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। ये मैच कई मायने में खास होने वाला है। भारत श्रीलंका के बीच खेले जाने वाला ये मुकाबला विराट कोहली के करियर का 100वां टेस्ट होगा। विराट कोहली ने 2011 में बतौर टेस्ट क्रिकेटर डेब्यू किया था। विराट ने 99 टेस्ट मैचों में 50.39 की औसत से 7,962 रन बनाए हैं। विराट ने 68 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया की अगुवाई की है, जिसमें 40 मुकाबले जिताने में कामयाब भी हुए हैं। बतौर कप्तान रोहित शर्मा का ये पहला टेस्ट मैच होगा। टेस्ट मैच से रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं भारत श्रीलंका के बीच होने वाले मोहाली टेस्ट को और भी खास बनाने के लिए बीसीसीआई ने 50% दर्शकों के स्टेडियम में एंट्री के लिए इजाजत दे दी है। अब दर्शक मैच का लुत्फ स्टेडियम में जाकर उठा सकेंगे। वहीं महिला क्रिकेट का 50 ओवर का वर्ल्ड कप कल से न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। भारतीय टीम पिछली बार फाइनल तक पहुंची थी, इस बार उसकी कोशिश ये होगी कि वो अंतिम पड़ाव को पार करे। कल पहला मैच मेजबान न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच है। भारत अपना पहला मैच 6 मार्च को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी।
2017 में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में भारत को इंग्लैंड ने हराया था। मिताली राज की कप्तानी वाली टीम न्यूजीलैंड में उस इतिहास को बदलना चाहेगी। कल से शुरू होने वाला ये वर्ल्ड कप कुल 31 दिन चलेगा। टूर्नामेंट का फाइनल 3 अप्रैल को खेला जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में शुरू हुए 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की तस्वीरों के साथ। तो आप मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।